मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? है दौड़ में आगे, क्यों प्रभास रह गए हैं साउथ स्टार से ही पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले सुपरस्टार प्रभास और अल्लू अर्जुन के फैंस के बीच में अक्सर ही ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर इन दोनों में से कौन नंबर वन की रेस में आगे है। तो इस वीडियो में हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। यहां जानिए कि आखिर कैसे बाहुबली स्टार प्रभास इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन से पीछे हैं। पहला, अल्लू अर्जुन ने दी है सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में। टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने प्रभास की तुलना में ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अल्लू अर्जुन के पास जहां 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, तो वहीं प्रभास बाहुबली सीरीज के साथ अपने खाते में सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में जुटा पाए हैं। अल्लू अर्जुन ने अब तक आर्या, ज्वाली, रेस गुरुम सरायनाडू और अल्लाह वैकुंठपुरम अलो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। सेकेंड, रियल लाइफ में भी है भारी फैन फॉलोइंग। सिर्फ डिजिटल ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग प्रभास की तुलना में काफी ज्यादा है। अल्लू अर्जुन को लोग सेट्स या इवेंट्स में देखने के लिए बेतहाशा फॉलो करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं। बाहुबली स्टार प्रभास इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया पर है ज्यादा फैन फॉलोइंग। बता दें, टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जबकि प्रभास को इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन लोग ही फॉलो करते हैं। जबकि दोनों ही स्टार्स कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है फिर भी। चौथा, सक्सेस रेशियो भी है जबरदस्त। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रेस में ही प्रभास से बाजी नहीं मारी है, बल्कि अल्लू अर्जुन की फिल्मों की सफलता की गारंटी भी प्रभास से ज्यादा है। अल्लू अर्जुन की फिल्मों की सक्सेस का रेशियो जहां 84% है, वहीं प्रभास की फिल्मों का सफलता का रेशियो सिर्फ 58% है। ये सब तब है जब प्रभास ने बाहुबली जैसी हिट फिल्में दी हैं। अगर वो बाहुबली ना करते तो देश में शायद उनका कोई नाम ही ना जानता। पांचवा, अल्लू अर्जुन है असली पैन इंडिया स्टार। बाहुबली सीरीज के अलावा सुपरस्टार प्रभास की शायद ही कोई फिल्म हिंदी दर्शकों ने देखी हो, जबकि अल्लू अर्जुन एक नहीं बल्कि अपनी कई फिल्मों के हिंदी डब वर्जन की वजह से देश के घर घर में जाने जाते हैं। यही नहीं, इनकी फिल्में सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी और दूसरी भाषाओं में भी डब होती है, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग देश भर में बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो अभी तक बिना किसी पैन इंडिया रिलीज फिल्म के ही इतने जाने जाते हैं। और अब तो उनकी ऑफिशियली पुष्पा भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, जिसमें रश्मिका मंदाना के साथ वो नजर आएंगे, जो कि लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। छठा, हर एक्ट्रेस के साथ है जबरदस्त केमिस्ट्री। अनुष्का शेट्टी को छोड़कर फिल्म स्टार प्रभास की केमिस्ट्री किसी भी अदाकारा के साथ इतनी खास नहीं नजर आती। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि अनुष्का ही प्रभास के लुक को ऑन स्क्रीन ज्यादा दमदार बनाती है, जबकि अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री ज्यादातर एक्ट्रेसेस के साथ ऑन स्क्रीन कमाल की लगती है। यही कारण है कि वो हर फिल्म में हर दूसरी हीरोइन के साथ नजर आते हैं। सेवन, पुष्पा के सामने फीकी है प्रभास की आने वाली फिल्में। सुपरस्टार प्रभास के हाथों में इन दिनों एक के बाद एक कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। वो राधे श्याम, आदि पुरुष, सालार जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे, लेकिन अल्लू अर्जुन की सिर्फ एक ही फिल्म पुष्पा इन सभी पर भारी है, क्योंकि पुष्पा के रिलीज हुए पोस्टर ने लोगों के मन में इस फिल्म की कहानी को लेकर एक अलग ही जगह बना ली है, जिसे कोई नहीं ले सकता। आठवा, अल्लू अर्जुन के डांस के आगे फेल है प्रभास। अब इस बारे में तो कोई बहस करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अल्लू के डांस को कौन नहीं जानता। नाइन्थ, प्रभास नहीं करते एक्सपेरिमेंट। अल्लू अर्जुन अपनी हर फिल्म में कहानी, डायलॉग्स और तकनीकी बातों के साथ साथ अपने लुक्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबका ध्यान खींचते हैं, जबकि प्रभास अपने लुक्स में कुछ खास बदलाव नहीं करते। अब तक ज्यादातर फिल्मों में उनका एक ही लुक रहा है, जिससे ज्यादा बार देखकर काफी लोग बोर हो जाते हैं। वहीं अल्लू के एक्सपेरिमेंटल लुक ने लोगों को हमेशा ही अपनी तरफ खींचा है। तो हमारी बताई हुई बातों से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।